दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों YouTube की तरफ से हमारा थर्ड पेमेंट भी आ चुका है, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि YouTube की तरफ से थर्ड पेमेंट जो हमारा कितना आया है और YouTube पेमेंट का जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एडसेंस अकाउंट से लेकर जो है हमारे बैंक अकाउंट तक जो पेमेंट आता है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों YouTube की तरफ से हमारे जो थर्ड पेमेंट आया है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको जो है YouTube पेमेंट का प्रोसेस जो होता है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि कैसे पेमेंट हमारा अकाउंट में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें हमारे YouTube चैनल का जो है मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। उसके लिए जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है दोस्तों, तो मोनेटाइजेशन जैसे हमारा ऑन होता है, जैसे हमारा 30 तारीख को जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है दोस्तों, अब 1 तारीख से जो है हमारे वीडियोस पर जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप जैसे जैसे आप वीडियोस बनाओगे उस पर ऐड आएंगे, ऐड के जो है हमारे डॉलर बनते हैं दोस्तों। जैसे हमारे वीडियोस पर ऐड स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो हमें जो है उसके अंदर हमारी बैंक डिटेल जो है फिलअप करनी होती है। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद जो है हमें एड्रेस वेरीफाई करना होता है। जो एड्रेस हम उसके अंदर फिलअप करते हैं वहाँ पर जो है गूगल एक पिन भेजता है, उस पिन को जो है हमें इसके अंदर फिलअप करना होता है, वेरीफाई करना होता है दोस्तों। वो वेरीफाई होने के बाद जो है हमारा एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जैसे हमारा 30 तारीख को मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, 1 तारीख से हमारे जो है ऐड स्टार्ट हो गए, एड्स के हमारे जो है डॉलर बनते हैं दोस्तों। जैसे 1 तारीख से हमारे ऐड स्टार्ट हुए, अब 30 तारीख तक जो हमारे वीडियोस पर रन ऐड होंगे दोस्तों उनके जितने भी डॉलर बनेंगे दोस्तों 1 तारीख से 30 तारीख तक का, वो अगले महीने की 13 तारीख को दोस्तों गूगल एडसेंस के अंदर जो है हमारे ऐड हो जाएंगे, वहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि 13 तारीख को तो एडसेंस अकाउंट में ऐड होते हैं, उसके 10 दिन बाद यानी 23 तारीख को यूट्यूब अपना पेमेंट जो है गूगल एडसेंस से अपने अकाउंट में भेज देता है। अगले 2-3 दिन में जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। अगर 4 से 5 दिन में हमारे जो है पेमेंट अकाउंट में नहीं आए दोस्तों, तो हम बैंक ब्रांच में जाकर उसको संपर्क कर सकते हैं। अगर वो कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए तो वो हमें फॉर्म फिलअप करना होता है, ये कुछ फॉर्मेलिटी होती है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो है पेमेंट अकाउंट में इजीली से आ जाता है। मेरा जो पेमेंट है दोस्तों वो इजीली से अकाउंट में आ चुका था, उसके लिए मुझे कोई भी बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हो सकता है कि आपको बैंक में जाने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़े, वो अगर फॉर्म भी फिलअप करना होता है दोस्तों तो वो केवल एक ही बार जो है फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद जो है रेगुलर हर महीने आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों जो एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट में आने तक का पेमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो YouTube की तरफ से थर्ड पेमेंट कितना आया है। तो आप सभी को पता है कि YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है, हम डायरेक्ट इसको जो है बता नहीं सकते हैं कि हमारा कितने वो बने हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकता, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बता देता हूँ। जैसे कि मैं इस पेमेंट से दोस्तों Redmi Note 9 Prime जो है आसानी से खरीद सकता हूँ, इससे थोड़ा सा ऊपर जो है पेमेंट है। अगर एग्जैक्ट जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ पर आप जाकर हमारी पोस्ट देख सकते हैं, मैंने वहाँ पोस्ट की हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।